देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अभी लोग जोग दर जोग आते जा रहे हैं। ये लेडीज़ विंग है अलग बनाया गया है और जेंट्स विंग अलग बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं। हम सबके दिल अजीज मामू पीटीआई कराची, देख लो कराची वालों को भरपूर तादाद में जेलों में जाने के लिए हम तैयार है। हम तुम्हें पाकिस्तान से भागने नहीं देंगे। करप्शन माफिया, अगर जेल में जाना पड़ा तो आप जाओगे? बिल्कुल सर, ना आप जेल में जाने से डरते हैं ना अपनी जान देने से डरते हैं। आप इनकलाब आ चुका है, इंशाल्लाह मक्की की आज़ादी लेके रहेंगे। ये कौम को शौर आ चुका है, खान साहब ने कौम को शौर दे दिया माशाल्लाह से। खान का एक इशारा है और हम हाजिर हैं। क्या समझते हैं इमरान खान मुल्क को तब्दील कर देंगे, बदल देंगे? जी बिल्कुल सर, खान साहब मुल्क को तब्दील बिल्कुल कर सकते हैं। जब 150 रुपये 130 रुपये लीटर पेट्रोल था, जब ये आवाम इन खान साहब के साथ, अब 275 रुपये आप देख रहे हैं पेट्रोल लीटर हो चुका है। तो आवाम सड़कों पर आना चाहिए, आवाम को महंगाई के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये जो MKM है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, सारे महंगाई के खिलाफ निकले थे। इन्होंने महंगाई और मजीद बढ़ा रही है। कौम की सर पर रोटी का तूफान आ चुका है, आटा नहीं। औरंगी से ही है जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं अथर अली खान, UC5 औरंगी वार्ड 1 से हूँ। हमारा हल्का NA241 पड़ता है। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो मौजूद हैं सब सारे और जमा हुए हैं, आप देख सकते हैं लोगों का जोश और बलबला कि जेल भरो तहरीक के हवाले से हम सब यहाँ पे आ चुके हैं और मजीद लोग आ रहे हैं। और जो नहीं भी आए हैं, जो घरों पे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ जल्दी जल्दी, इस जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने ताकि हम इम्पोर्टेड हुकूमत को, ये जो राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ ने बना दी है, पता नहीं किसकी मदद से, खलाई मखलूक या जो भी कह लें न्यूट्रल की मदद से बनाई है, इसको हमें नाकाम करना है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमें घर भेजना है। जेल भरो तहरीक में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और भरपूर तादाद में शामिल होकर साबित कर दें कि हम खान के टाइगर हैं, हम हक के साथ हैं, हम सच के साथ हैं। हक और सच के साथ जो होता है इंशाल्लाह जीत भी उसी की होती है, अल्लाह पाक मदद भी उसी की करता है। और हक और सच ही वो चीज़ है जिसके बलबूते पर मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं, तरक्की की राह पे गामजन होती हैं। और हम सबको इंशाल्लाह इस जेल भरो तहरीक में भरपूर हिस्सा कर लेना है, भरपूर हिस्सा डालना है अपना, और हम सब मिल के इंशाल्लाह इस जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाएंगे। और इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके चाहने वालों को, 13 जमातों को, सबको मैसेज ये मेरा ये, इंशाल्लाह आप आओ, हमारा मुकाबला करो, हमारा मुकाबला एक वाकियात के साथ करो। और राना सनाउल्लाह इंशाल्लाह आपको मेरा ये मैसेज है कि हम आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। आप कहते थे ना, आपकी लीडर कहती थी ना, रोक सको तो रोक लो। आज हम कह रहे हैं हम आ रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, रोक सको तो रोक लो। इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसाफ हाउस है कराची में, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और आज जेल भरो तहरीक के हवाले से जो कैंप लगा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं आवाम की बड़ी भारी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इंशाल्लाह इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी और इमरान खान इंशाल्लाह इन लोगों को अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इनको अपनी औकात याद दिलाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इम्पोर्टेड सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये शोबास तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होंगे। और हम ये बता दें कि इंशाल्लाह तुम आओ, रोड़ों पर निकलो, अगर तुम्हारे में तपड़ है तो अपनी फोर्स का इस्तेमाल करो और इमरान खान के टाइगर उनका इंशाल्लाह मुँह तोड़ मुकाबला करेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं ये जेलें वेलें हमारे किसी से इससे डरने वाले हम लोग नहीं हैं, ना इस किस्म के डरावे में हम आते हैं। हम खान के टाइगर हैं, खान की एक कॉल के ऊपर हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। और इंशाल्लाह आपकी ये जेल की दीवारें भी हमारा कुछ सामना नहीं कर सकेंगी। और ये इम्पोर्टेड सरकार, तुम्हारे दिन थोड़े रह गए हैं, इंशाल्लाह खान की दोबारा आमद होगी। ये आज आप देख सकते हैं कि आज ये जो आवाम आई है, ये जो आवाम का समुंदर आया है, खान के टाइगर आए हैं, ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने मुल्क और अपने खान के साथ डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और ये आपको बता दें कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।